इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग एक समर वेकेशन भर की नहीं होती। बेसिक्स पे काम करना और उनको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत वक्त जाता है। इसको हॉबी की तरह कम और एक फुल टाइम एंगेजमेंट की तरह ज्यादा देखा जाता है। जिस तरीके से गिटार या पियानो लोग शौक के लिए सीख सकते हैं, उस तरीके से क्या इंडियन क्लासिकल को नहीं सीखा जा सकता? अधिकतर समय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने वालों को एक्सपर्ट परफॉर्मर्स बनाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए हर लेवल का परफॉर्मर जरूरी है। बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड, वर्चुओसो, एक्सपर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, जब भी वो कोई चीज़ कंपोज करते हैं या कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल प्लेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन पीसेस को बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स किसी गैदरिंग में अपने दोस्तों के बीच में बजा के उसको आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आजकल मीडिया कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, अटेंशन स्पैन कम हुआ है, लेकिन साथ साथ मल्टीटास्किंग और अवेयरनेस भी बढ़ गई है। ऐसे सिनारियों में अगर हम सबको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मॉडल फेल हो सकता है। इन्फॉर्मेशन एज में हर इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसको किसी भी फील्ड की नॉलेज रखने से या गैदर करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी फील्ड की नॉलेज पाना इजी होना चाहिए, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अप्रोचेबल होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। 21st सेंचुरी में नॉलेज सीख करने का तरीका फ़र्क है। ऑनलाइन लेसन्स, शॉर्ट कोर्सेज, ये सब बढ़ चुके हैं और ये कोर्सेज करके हर फील्ड में लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स को परफेक्ट कराने में इतना फोकस किया जाता है कि एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं आता। इम्परफेक्शंस के साथ एग्जीक्यूशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी वजह से कई आर्टिस्ट अपना स्टाइल डिस्कवर कर पाते हैं जो यूनिक है, जो उनका खुद का है। परफेक्शन हर किसी से एक्सपेक्ट करना इंडिविजुअलिज्म की बर्बादी है, और ये हमें ले जाता है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डायलॉग 21st सेंचुरी में। दो लोगों के बीच में बातचीत, एक बेझिझक बातचीत, फ्रीडम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई स्टूडेंट आपसे आपके सिखाने के तरीकों को लेकर सवाल नहीं कर सकता तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है। हर इंसान फ़र्क होता है और उस हिसाब से कस्टमाइज्ड कोर्सेज बनाने चाहिए। एक अप्रोच लेकर चलने से आप चुनिंदा लोगों की ही मदद कर पाएंगे। सख्ती ज़रूरी है पर हर किसी पर काम नहीं आती है। 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आर्ट का हम फिल्म मेकिंग बोल सकते हैं, और मेरे हिसाब से किसी भी आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखने के लिए उसका फिल्म्स में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब से फिल्म्स में साउंड इंट्रोड्यूस करी गई तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत यूज़ किया गया है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक आज भी उतना ही ज़्यादा यूज़ होता है जितना शुरू में यूज़ हुआ था। साथ ही साथ और फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक जैसे कि रॉक, जैज, पॉप, ये सब भी अब फिल्म स्कोर्स में इंक्लूड होना शुरू हो गए हैं। हर कॉर्ड को, हर मोड को एक स्पेसिफिक सीन पे यूज करने की वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक की भी ग्रामर बन चुकी है। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल सुने स्टार वॉर्स का, स्टार वॉर्स की थीम एक ग्रैंडनेस एस्टैब्लिश करती है, हमें ये सुन के लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी तरीके से अगर हम हैरी पॉटर में हेडविग्स थीम सुने तो ये थीम सुन के लगता है कि विचक्राफ्ट से रिलेटेड है, कुछ मिस्टीरियस है, कुछ सुपरनैचुरल है। ये दोनों मूवीज के स्कोर्स बहुत ही आइकॉनिक माने जाते हैं, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स के साथ डील करने वाली जितनी भी मूवीज बनी हैं इसके बाद से, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का म्यूजिक अपने बैकग्राउंड स्कोर में ज़रूर यूज़ करती हैं। उसी तरीके से और फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक जैसे कि रॉक, जैज, फंक, ये सब का भी यूजेज हमें हॉलीवुड फिल्म्स में देखने को मिलता है, और इन मूवीज़ की वजह से, इन वेब सीरीज़ की वजह से जहाँ पे ये सब इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, इन्हीं की वजह से ये सारे आर्ट फॉर्म्स अलाइव रह पा रहे हैं। अगर हम कोई भी फिल्म उठा के देखते हैं जो हमारे इंडियन सिनेमा में बनी है तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का यूजेज कम होता है। हमें पता है कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक किस तरीके से काम करेगा किस सीन में, तो थ्रिलर है या क्राइम बेस्ड मूवी है या सस्पेंसफुल मूवी है या हैप्पी मूवी है, सैड मूवी है, उन सब के इमोशंस को कैप्चर करने के लिए अधिकतर कंपोजर्स और डायरेक्टर्स वेस्टर्न क्लासिकल या फिर रॉक, पॉप या जैज का सहारा लेते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडियन क्लासिकल का भी यूज़ करा जाता है, लेकिन वो भी फ्यूजन के तौर पे किया जाता है। सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक संभाल लेना, ये हमें देखने को अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। कहने का मतलब ये कि अगर हम कोई वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का पीस सुनते हैं तो हम बहुत आराम से उसको किसी सीन पे प्लेस कर सकते हैं,
लेकिन जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, कोई राग सुनते हैं, तो उसका विजुअल ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल से आंखों के सामने आता है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का यूजेज बैकग्राउंड स्कोर में उतना हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ग्रामर ही नहीं बन पाई है। हर राग के साथ एक स्पेसिफिक इमोशन जुड़ा होता है, लेकिन वो इमोशन हमने साउंड में सुना है, ऑडियो के तौर पे एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिल्म्स में किसी एक सीन के ऊपर मेन स्ट्रीम सिनेमा में वो राग नहीं सुनी। ऐसा भी नहीं है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या फिर रीजनल म्यूजिक हमें सुनने को बिल्कुल नहीं मिलता है। फिल्म्स में कवालियां होती हैं या कुछ इंडियन क्लासिकल पीसेस भी सुनने को मिल जाएंगे, वो हमेशा एक नॉवेल्टी की तरह सुनाई देते हैं। फिल्म का जो पूरा साउंडस्केप है उसका हिस्सा बनना और एक नॉवेल्टी की तरह किसी चीज़ को सुनना, उसमें बहुत फ़र्क है। ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज एन आर्ट फॉर्म ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ग्रोथ अगर अकेडमिक सर्कल्स में ही सीमित होकर रह जाए तो उसका क्या फ़ायदा। दुनिया भर में हम देख सकते हैं कि बहुत से आर्ट फॉर्म्स जो 21st सेंचुरी के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं या फिर बहुत लिमिटेड सर्कल्स में सीमित होकर रह जाते हैं। ये फेट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का नहीं होना चाहिए। इंडियन क्लासिकल को एक नॉवेल्टी की तरह नहीं, एक मेन स्ट्रीम आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहना एकदम ठीक होगा कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट वर्चुओसो प्लेयर्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अवेलेबल हैं। अवेलेबल नहीं है तो वो हैं लिसनर्स। अच्छे लिसनर्स अवेलेबल हों, इसके लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एजुकेशन को और ईजी फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए। गुस्ताफ होल्स्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर थे जिन्होंने द प्लैनेट्स के नाम से एक 7 मूवमेंट ऑर्केस्ट्रल स्वीट लिखा था। इस स्वीट का हर मूवमेंट एक प्लैनेट के नाम पे था, और क्योंकि ये म्यूजिक स्पेस के बारे में बात करता है एक तरीके से, तो ये स्टार वॉर्स के म्यूजिक के लिए एक रेफरेंस बन चुका था। इस म्यूजिक ने फिल्म मेकिंग के एक जॉनरा को एक पूरे साउंडस्केप प्रोवाइड करी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये बहुत ही करंट टॉपिक्स हैं, और इन्हीं के बूते पे ह्यूमैनिटी एज अ होल आगे बढ़ रही है। वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक जैसे कि वेस्टर्न क्लासिकल, रॉक या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी साउंड में इंक्लूड करते हैं, लेकिन शायद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इन टॉपिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी इकोनॉमी कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, और कैपिटलिज्म जो है वो उस एंटिटी को फेवर करता है जो अपने आप को विद टाइम री इन्वेंट करती है। कैपिटलिज्म में प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज नहीं होती। इसकी वजह से किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसको करंट रहना पड़ेगा। करंट का मतलब कि उसको अपनी साउंड को री इन्वेंट करना पड़ेगा, उसको अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा, और हमारी ह्यूमन रेस के करंट अचीवमेंट्स और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आर्ट फॉर्म अपनी प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन प्योरिटी की डेफिनेशन भी विद टाइम चेंज होती है। अगर प्योरिटी मेंटेन करने के चक्कर में आप अपनी साउंड को लिमिट कर रहे हैं, तो इस बारे में अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स को रीइवैल्यूएट किया जा सकता है।